फिर आ चुके हैं कॉन्टेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ में, तो सीधा चलते हैं न्यूज की तरफ। एंड जो पहली न्यूज आ रही है वो है लक्ष्य चौधरी के रिलेटेड आ रही है। अब लक्ष्य चौधरी को यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि तुम तो एलवेश यादव एंड सम्राट भाई के साथ मिलकर यहाँ पे ग्रुपिज्म फैला रहे हो यहाँ पे यूट्यूब पे, टू विच यहाँ पे लक्ष्य चौधरी रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। ओ यस ब्रो, हियर वी गो। हाँ तो बहुत दिन से कहीं से सुनने में आता है, मतलब हमारे लिए, ओ भैया तो ग्रुपिज्म करते हैं यूट्यूब पर, भोसड़ी के टॉक्सिक हैं। नहीं यार, अगर तुम्हें लग रहा है मैं रिप्लाई दूंगा, मैं पिछले एक साल से सब छोड़ रखा है। अगर मेरे किसी से बीफ है वो मेरे अपने टॉपिक पे होती है, मैं करता हूँ। अगर कोई सामने से पोक करता है मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं देता, ना मैं मानता किसी को इतना लायक कि मैं उसको बैठ के अपने चैनल पे डेडिकेटेड रिप्लाई दूँ। टॉक्सिसिटी तुम देख लेना, डिस्क्लेमर मैं वीडियो से पहले भी डालता हूँ, बाद में बोलता हूँ भाई हेट वेट मत देना, उसके बावजूद भी कोई दे रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जबकि लोग तो हमें टॉक्सिक कह के खुद रेड करवा रहे हैं दूसरों पे। भाई नहीं, मैं सब में भरोसा नहीं रखता, रेड करके मुझे अपनी पावर नहीं दिखानी। 2-4-10 दिन सोशल मीडिया पे हैं, मौज लेंगे, मौज देंगे, कोई लड़ेगा उससे भिड़ेंगे, पर किसी को क्लाउड तो नहीं देंगे। वो सीढ़ी के सड़क पे ही बैठा है, बाइक जा रही है पीछे से। हाँ ठीक है भाई, मैं सड़क पे रहता हूँ, फुटपाथ पे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये ग्रुपिज्म करते हैं, अभी बता दो उसका जवाब। तो ग्रुपिज्म की बात ऐसी है भाई, हम तो करते हैं यार, हम एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, बैक करते हैं, और कौन नहीं चाहता ग्रुप बनना रियल लाइफ में, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन, हर जगह चाहते हैं लोग ग्रुप बने। स्कूल में बच्चों के भी बनते हैं क्योंकि आप चाहते हो, आप एक पीछे किसी की बैक हो, किसी का सपोर्ट। और सम्राट एलवीसी नहीं, मैं और थगेश भी टॉपिक डिस्कस करके बना लेते हैं कि हाँ इस पे करते हैं भाई व्यूज आते हैं, फिर बोलेंगे ये तो व्यूज के लिए कर रहा है, भोसड़ी का कंट्रोवर्सी व्यूज। भाई कौन नहीं कर रहा व्यूज के लिए, क्या यूट्यूब के सर्वर भरने के लिए काम कर रहे हो क्या? हर किसी को व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए ही है, पैसों के लिए ही है। तो ये कहना कि ग्रुपिज्म भोसड़ी के तुम कर लो, मैं तो कहता हूँ तुम कर लो, ये कोई बात नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, ग्रुपिज्म कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। बताओ अब, बताओ हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को स्पॉन्सरशिप दिला देते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दिल से। ये नहीं कि बहनचोद मेरे से आगे कैसे जा रहा है, एलविश यादव 2 मिलियन चला गया, भगवान डिलीट हो जाए उसका चैनल। नहीं भाई, तुम्हारी तरह नहीं है कि दोस्तों की ग्रोथ से गांड जल लियो, तो पहले खुद हो जाओ भाई, ऐसे जलना बंद कर दो यार। और मैं तो मानता भी नहीं अपने आप को इतना बड़ा, 4-5 वीडियो ये बना रहे हैं हमारे ऊपर, फिर उनमें बोल रहे हैं भाई टॉक्सिक ही हैं। ओके ब्रो, ओके मान लिया, तुम्हारा पॉइंट फुल वैलिड है, पूरा चैनल डेडिकेट कर रखा है भाई, ओके यार। और मैं इतना मनहूस हूँ, जिसने आज तक मेरे ऊपर वीडियो बनाई है ना उसका ग्राफ उसके बाद गिर ही गया। कितने एग्जाम्पल तुम्हें याद दिलाऊं उसके बाद नहीं व्यूज आते भाई उसको, वो आखिरी वीडियो होती है उसकी जिसपे ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं भाई, बहुत मनहूस हूँ मैं। खैर कोई नहीं यार, करते रहो, जो तुम चाहते हो नहीं होगा। तुम्हें लग रहा है मैं बैठ के अपने चैनल पर रिप्लाई देने बैठूंगा, नहीं यार उतना टाइम नहीं है, जिंदगी में बहुत फन है यार। मेरी माँ के कंगन गिरवी नहीं रखे पढ़ाई के लिए, तो अपना फन चल रहा है यार, खुद ले रहे हैं दूसरों को दे रहे हैं, तुम लोन उतारो अपना। हाँ तो ट्रक पे बोरियां लोड करने से पहले मेरा मजदूरी आर्स शुरू होने वाले हैं, उससे पहले लास्ट स्टोरी भाई, मैं मेंटल हेल्थ का विक्टिम कार्ड भी नहीं खेलूंगा। जिन्हें बनाना है बनाते रहो, सबको जन्मा दो अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, कि थारा भाई, थारा भाई लक्ष्य है कोई, इतने रोस्ट वीडियो बना दूंगा, इतने रोस्ट वीडियो बना दूंगा लक्ष्य पे, रोस्ट वाले भी कहेंगे, यूट्यूब वाले भी देखी नहीं होगी। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत मोटी है भाई, बुद्धि पे बहुत मोटी परत चढ़ गई 3-4 साल यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा स्टील फैक्ट्री में भी नहीं है, बना सकते हो तुम, मुझे खत्म कर दो, यूट्यूब से मिटा दो मुझे। ओके इसके ऊपर यहाँ पे कॉमन राज रिएक्ट करते हैं, यहाँ बोलते हैं अबे सी कुछ नहीं बोलूंगा बोल के इतना कुछ बोल गया, मैं रेड करवा रहा हूँ तो कम से कम ढंग की रेड तो करवा रहा हूँ, खुद की रेड देखी है, पूरी गाली गलौज करवाता है और ज्ञान देता है। और हाँ भाई लक्ष्य, कनाडा से आईफोन आया कि नहीं ये भी बताता हूँ, रुक तेरे को नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद कॉमन राज एक और स्टोरी पोस्ट करते हैं, यहाँ बोलते हैं अपने चेलों से वीडियो बना बना कर इमेज साफ कर लो, दूसरों की जहाँ गलती नहीं है वहाँ भी गलती ढूंढ रहे हैं तेरे चेले। नहीं वो तो बेचारे ना समझ है, उनको क्या पता आज मीठा बोल रहा है कल ट्वीट का रिट्वीट करके जेल भेजे। टॉक्सिक था और टॉक्सिक रहेगा, सुधरना तो कहां, उल्टा छाती पे हाथ मार के ऐसे बोल रहा है जैसे कोई प्राउड का काम करा हो। सो यस गाइस, यहां पे लक्ष्य चौधरी वापस इस चीज को यहां पे रिप्लाई नहीं देते, लेकिन अगर वो रिप्लाई करेंगे तो तुम्हारा भाई आके तुम्हें सबसे पहले बता देगा। एंड उससे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सीरियसली सब्सक्राइब बटन और ठोक दो जाके। एंड बढ़ते भी अगली स्टोरी की तरफ, एंड जो अगली स्टोरी बेसिकली तन्मय भट्ट एंड एमवीए बंटाई के रिलेटेड आ रही है। अब तन्मय भट्ट के लेटेस्ट फिल्म में बाबा सहगल भी थे, एंड बाबा सहगल से यहां पे तन्मय भट्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहां पे जो नए लौंडे हैं जैसे कि एमवीए बंटाई वगैरह, तो उनके ऊपर उनके क्या थॉट्स हैं। एंड यही चीज कहीं ना कहीं एमवीए बंटाई को पसंद नहीं आती, बेसिकली
नए लॉन्डे वर्ड इसके ऊपर एमवीवी बंटाई भी रिएक्ट करते हैं। यहाँ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू तन्मय भट्ट आई एम अ नया लॉन्डा, वेल वी हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप रेवोल्यूशन एंड बीन हसलिंग सिंस 10 years एंड मोर, सीम्स लाइक पीपल आर सिटिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म नीड्स नए लॉन्डे टू गेट फेमस, वेल आई वुड से लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट द इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे तन्मय भट्ट को काफी ज्यादा हेट मिल रही थी बेसिकली एमवीवी बंटाई की ऑडियंस से, एंड इसके ऊपर तन्मय भट्ट रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। Respect for anybody who builds a career on YouTube or on the internet at large. So Emiwe Bantai, who posted something about me, I have nothing but respect for him. Whatever you say about his art, fact is the guy has managed to build a career online, and that takes hustle. And I respect that hustle and kill. जो है ये एक तरफ, ठीक है? This is one thought I have. The second thought I want to address, जो ये 16 साल के लोडू मेरे mentions में आके बकचोदी मुझे गाली दे रहे हैं ना, सुनो मेरी बात। पहले एक tissue paper लो, ठीक है? फिर लैपटॉप खोलो और बाबा साइकिल गूगल करना। जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम जो ये 14 फैलाते रहते हो, ओ ये कम्युनिटी इसको रिस्पेक्ट करो, तुम्हें पता चलेगा कि कम्युनिटी और ये रैप और हिप हॉप कम्युनिटी की शुरुआत कब हुई थी, और वहां पे तुम बाबा साइकिल का नाम देखोगे और फिर तुम्हारी आंखों से एक नमकीन बूंद गिरेगी। उसे अपने टिश्यू पेपर से प्यार से पोंछना, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होगा कि जब तुम अपने बाप के आड़ में थे ना, तब से कम्युनिटी शुरुआत हो चुकी थी और बाबा साइकिल वॉज एट द फोरफ्रंट। तो व्हेन यू आस्क फॉर रिस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी, फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट दी ओजी। उनके सामने तो आजकल के आर्टिस्ट नए लौंडे होंगे ना, इसमें डिसरिस्पेक्ट कहाँ है? अकल लगाओ कभी। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस वाज ओनली फॉर दोज हु आर कमिंग एंड अनोइंग द फक आउट ऑफ मी इन माय मेंशंस। द रेस्ट ऑफ यू, नो हेट नो डिसरिस्पेक्ट, एंजॉय, हैव अ गुड डे, मचाएंगे। आई मैसेज एमवीवे, आई सेड हे लिसन सॉरी अबाउट दैट, आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, इट वाज मेंट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस एनफ टू रिप्लाई पॉजिटिवली। And it's sorted between us, but it's these children who are like, yeah. So yes, guys, यहाँ पे जितने भी एमवीवी बंटाई के फैन हैं एंड तन्मय भट्ट को जाके गाली दे रहे हो, ये सब यहाँ पे बंद कर दो, क्योंकि उन दोनों की बात हो चुकी है एंड सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब मुझे एक चीज पूछने की, यहाँ पे अगर दो आर्टिस्ट या फिर दो यहाँ पे क्रिएटर्स की यहाँ पे कभी भी कोई झड़क हो जाती है, कोई यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, तो क्या यहाँ पे उनके फैंस को जाके एक दूसरे को गाली देना चाहिए, मतलब दूसरे कॉन्टेंट क्रिएटर को गाली देना चाहिए या नहीं? ये मुझे कमेंट से जरूर बताना। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ दो क्रिएटर्स के बारे में होती है एंड वो अपने आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस चीज को। ये मेरे थॉट्स थे, अब आप लोग ये थॉट्स मुझे कमेंट से जरूर बताना। बढ़ती भी अगली स्टोरी, एंड जो अगली स्टोरी है बेसिकली अमित भड़ाना की तरफ से आ रही है। अब अमित भड़ाना अपने नेक्स्ट सॉन्ग एंड नेक्स्ट वीडियो के यहाँ पे हिंट देते हैं एंड यहाँ बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एंडिंग में सॉन्ग डेट अनाउंस कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो कब, वो इस हफ्ते। यस गाइस, अमित भड़ाना यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक वीडियोस डाले जा रहे हैं एंड एक के बाद एक सॉन्ग्स भी निकाल रहे हैं। मतलब लास्ट जो सॉन्ग था उनका आत्मविश्वास, वो काफी ज्यादा सही था, काफी ज्यादा हिट हुआ था। अब देखते हैं ये वाला सॉन्ग जो उनका नया सॉन्ग होगा वो कितना ही ज्यादा हिट होगा, कितना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सॉन्ग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे पिछले साल का सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग फिलहाल उसका सीक्वल आ चुका है फिलहाल 2 करके, एंड इसने 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे 50 मिलियन के ऊपर यहाँ पे व्यूज हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन लाइक्स होने वाले हैं। सो अगर तुमने वाला गाना नहीं सुना तो सीरियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एंड फिलहाल मैं अपने थॉट्स बताऊँ तो मुझे पहला वाला ही फिलहाल ज्यादा पसंद आया था, मुझे सेकंड वाला फिलहाल इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब फिलहाल 2 जो न्यू सॉन्ग है वो इतना ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन अगर आपने वाला गाना सुना है तो मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो पसंद तो ऑब्वियसली अगेन पसंद है, तो सीरियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड सब्सक्राइब का बटन तो तोड़ दो यार, तोड़ दो, जो फेंकना है फेंको, लेकिन सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। एंड कल मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय, शबा खैर।